हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हरर कांड का तीसरा भाग। ये रहा जंगल का अंत। इसके आगे हम यान पर जाएंगे, उसी यान पर जिससे मैं यहाँ पर आया था। पर नागयान भी यहाँ मौजूद है ध्रुव। तुमको पाने के लिए ब्लैक पावर्स पहला हमला नागयान पर ही करेंगी। मेरे यान में तुम ज्यादा सुरक्षित रहोगी। आओ, मैं अभी वापस आता हूँ नागराज। आह, क्या हुआ विसर्पी? मैं इस स्थान से आगे नहीं जा पा रही हूँ। आगे कोई अदृश्य दीवार है। रुको, मैं देखता हूँ। सचमुच इसके पार तो मैं भी नहीं जा पा रहा हूँ। ब्लैक पावर्स, पीछे हटो ध्रुव। ये अवरोधंस इस रोग को चकनाचूर कर देगा। अवरोधंस जैसा शक्तिशाली आयुध इस अवरोध में समा गया बगैर कोई नुकसान पहुंचाए। असंभव। असंभव तो है, पर सिर्फ यहां से बाहर जा पाना। अंदर आने पर कोई पाबंदी नहीं है। एक नई ब्लैक पावर? मैं ब्लैक पावर नहीं हूं, बाधा बंध हूं, और मुझको स्वामी का आदेश है कि कोई इस वन से बाहर न जाने पाए। कौन है तुम्हारे स्वामी, इस वन के राजा? क्या ये जंगल उनकी जागीर है? क्षमा कीजिए, पर मुझको ये बताने का आदेश नहीं है। तुम्हारे स्वामी हमारे स्वामी नहीं है, इसलिए हमारा रास्ता छोड़ो और हमको जाने दो। क्षमा करें, परंतु ये आदेश तो स्वामी ही दे सकते हैं। तो फिर हमें तुम्हारे स्वामी को ही यहाँ बुलाना पड़ेगा। तुमको बचाने के लिए तो वे जरूर आएंगे। आयुध का वार जानलेवा तो नहीं था, पर उसका शौक बाधा बंध को अचेत कर देने के लिए पर्याप्त था। लेकिन आयुध बेअसर रहा? तुम्हारी कोई शक्ति मुझ पर असर नहीं करेगी नागराज। तुम्हारे महायुद्ध भी बेअसर सिद्ध होंगे, क्योंकि मैं एक शक्ति हूं, कोई जीवित प्राणी नहीं। अब बातें बहुत हो गई, मुझे इसकी भी आज्ञा नहीं है। विदा मित्रों, आशा करता हूं कि इस वन में आपका समय अच्छा गुजरेगा। चला गया, पर यह कैसी शक्ति थी? अगर यह सचमुच ब्लैक पावर्स नहीं है तो है क्या, और ये हमको रोक कर क्यों रखना चाहता है? कहीं ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है नागराज, मुझे रोक कर रखने के लिए? ये भाग्य की चाल है विसर्पी। ईश्वर नहीं चाहते कि हम और तुम अलग रहें। चलो, मैं तुम दोनों के ठहरने का कुछ अच्छा सा इंतजाम करता हूँ। और फिर ये तो कमाल का घर है ध्रुव, ये इंतजाम तुमने कैसे किया? थोड़ी सी पैरों की कसरत करनी पड़ी और मुझे यहाँ पर एक दुर्घटनाग्रस्त यान मिल गया। बस उसी की जरा सी मरम्मत करके मैंने तुम्हारे लिए घर तैयार कर दिया। तुम्हारा नहीं, हमारा बोलो ध्रुव। इस यान में एक नहीं, पांच बड़े बड़े कमरे हैं। तुम्हारे ठहरने की भी पूरी जगह है। नागराज विसर्पी और ध्रुव का शानदार महल तैयार हो गया था। पंचम अध्याय, आरोप मुक्त। परंतु बनने से पहले इस आशियाने पर गिरने के लिए बिजलियां कड़कने लगी थी। ये तू क्या कर रहा है चेले, सॉरी सम्राट? शब्दों को बाद में ठीक करते रहना गुरुदेव, पहले इस मुसीबत को दूर करो। मैं विसर्पी का हरण तो कर लूंगा, पर इस वन से बाहर नहीं जा पाऊंगा। ऐसा हुआ तो नागराज मुझसे टकराएगा और अभी मेरे हाथों मारा जाएगा, जबकि मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि उस शक्ति बाधा बद से नागराज भी पार नहीं जा पाया। मैंने अपनी आंखों से देखा गुरुदेव, और मैं भी यहाँ पर फंस गया हूँ। ये अवरोध वायु में भी फैला हुआ है। मेरा यह जंगल की सीमा के अंदर तो बेरोक टोक उड़ रहा है, पर बाहर नहीं जा पा रहा है। ऐसा तो सिर्फ एक ही शक्ति है जो तेरा और नागराज का रास्ता रोक सके, और मैं जानता हूँ कि वह शक्ति किस किस शख्स के पास है। बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा उसने क्यों किया है। अब ये बताओ कि मैं क्या करूं? तू चिंता मत कर चेले, तेरा गुरु तुझे वहां से निकाल लेगा। तू तो बस हरण की तैयारी कर, और मैं तैयारी करता हूं उस शख्स निपटने की जिसने बादाबद को भेजा है। नागराज और विसर्पी के दुश्मन कम नहीं थे, तो शुभचिंतकों की संख्या में भी कोई कमी नहीं थी। उफ, मुझे अन्न न खाने की कसम नहीं खानी चाहिए थी। नागराज को वापस लाने के लिए मुझे पूरी शक्ति की जरूरत है, और मुझे अभी से चक्कर आ रहे हैं। पर इससे पहले कि महानगर में कृत्रिम सूर उगे, मुझे इन चार मोटी मोटी किताबों में से कई पॉइंट ढूंढने हैं, क्योंकि मुझे कल की तारीख में ही नागराज को वापस बुलाने की याचिका कोर्ट में दाखिल करनी है। लो, फिर से मुझे चक्कर आ गया। नहीं, ये चक्कर नहीं था। मुझे चक्कर आ सकता है, पर सामानों को नहीं आ सकता। ये जरूर भूकंप का झटका था, और ये झटका काफी तेज था। अभी ऐसी और विपत्ति आएंगी बेटी, और इसका कारण नागराज और विसर्पी का विवाह होगा। आप तो दादा वेदाचार रहे हैं। मेरा सौभाग्य कि आप मेरे घर पर आए। उनका विवाह एक महान ग्रहण से ठीक पहले हुआ, और वर वधु का नगर प्रवेश ग्रहण के दौरान हुआ है। उस अशुभ घड़ी की काली छाया नए जोड़े पर पड़ चुकी है। स्वागत के लिए धन्यवाद बेटी, पर मैं यहाँ पर तुमसे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि नागराज और विसर्पी को वापस लाने का ख्याल छोड़ दो। उनका आना महानगर में सिर्फ बर्बादी लाएगा और कुछ नहीं। पर मैं तो नागराज और विसर्पी को वापस लाने का वादा कर चुकी हूँ, और किसी विवाह से भला पूरे शहर में विपदा कैसे आ सकती है? शायद आप मैडम भारती के कारण उनको वापस बुलाना नहीं चाहते। ये बात तो पूरा शहर जानता है। मैं इस विवाह से खुश नहीं हूँ, और मैंने इसे छुपाने की कोशिश भी कभी नहीं की।
पर यह भी सच है कि उनका महानगर में प्रवेश एक महाग्रहण की अवधि के दौरान हुआ है। ये जोड़ा जहां पर भी साथ रहेगा वहां पर मुसीबतें आएंगी ही आएंगी। अगर ये जोड़ा महानगर में वापस आया तो अभी आए भूकंप जैसी प्राकृतिक विपदाएं आती ही रहेंगी। अगर मैडम भारती के कारण कभी आप पर कोई विपदा आ जाए तो आप क्या उनका साथ छोड़ देंगे या उनको घर से निकाल देंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिए दादाजी। नहीं, नागराज विसर्पी भी हमारे अपने हैं। क्या महानगर उनको सिर्फ इस डर से छोड़ देगा कि उनका उनके कारण हम पर विपदा आ सकती है? मैं जो कहने आया था वो मैंने कह दिया है, आगे तुम खुद समझ जाओ तो बेहतर है। दादाजी चेतावनी दे रहे थे या धमकी? खैर जो भी हो, वर्ल्ड नेट पर चेक करना होगा कि यह भूकंप ही था या कुछ और। नहीं, नेट पर फ्लैश हो रहा है, यह भूकंप ही था। और इसका केंद्र, ओ माय गॉड, इसका केंद्र तो महानगर से लगभग 30 किलोमीटर पूर्व में था, यानी यहां पर, यानी सैकड़ों वर्षों से सोए ज्वालामुखी माउंट मैगमा में फिर से हलचल शुरू हो गई है। पर ये तो वही स्थान है जहां पर नागराज और विसर्पी को सैटेलाइट इमेजिंग से देखा गया था। वे वहां पर पहुंचे और ज्वालामुखी में हलचल शुरू हो गई। कहीं दादाजी का कहना सही तो नहीं है? मुझे चेक करना होगा, वरना ये ज्वालामुखी एक पूरे बड़े शहर की तबाही का कारण बन सकता है। हो सकता है, पर तू मत घबरा। तेरी मौत का कारण वह ज्वालामुखी नहीं, हम होंगे। घनघोर और बूंदाबांदी। पर उससे पहले, सुना है तूने नागराज और विसर्पी को वापस बुलाने की कसम खाई है, पर उससे पहले तेरी मौत तुझे बुला रही है। जा जा। अब नागराज वापस आए ना आए, ये तो वापस आने से रही। नागराज ने मेरे पापा को एक बार सामान्य जीवन जीने का तोहफा दिया था और आज वही तोहफा मैं उसे देना चाहती हूं। और इस काम में जो रोड़ा बनकर बीच में आएगा वह फ्लेमिना से टकराकर धुआं बन जाएगा। ये तो वापस आ गई, वह भी आग उगलते हुए। ओह, इस सूर्य जैसी प्रचंड ऊष्मा के सामने हमारी शक्तियां ठहर नहीं सकती, तो फिर क्या करें? भागो। भाग गए दोनों शैतान। पर भूकंप के दादा वेदाचार्य के और उन दोनों शैतानों के आने से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि मुझे नागराज को जल्दी से जल्दी महानगर में वापस बुला बुला लेना पड़ेगा। कृत्रिम सूर्य का उगना शुरू हो गया था और महानगर नाम के भूमिगत शहर में एक नया दिन शुरू हो चुका था। आप अपना पक्ष कोर्ट के सामने रख सकती हैं मिस शमा। माय लेडी, नागराज विसर्पी को जिस आधार पर नगर निकाला दिया गया है वह कानूनी रूप से वैधानिक नहीं है। क्यों? क्योंकि यह कानून जिस विवाह के संदर्भ में बनाया गया है वह दो इंसानों के बीच में होने वाला विवाह है, जबकि विसर्पी एक इंसान नहीं, इच्छाधारी सर्प है। उनसे विवाह करके ना तो नागराज ने किसी कानून का उल्लंघन किया है ना ही विसर्पी ने। नागराज और इंसान के विवाह के संबंध में कोई कानून बनाया ही नहीं गया है। इस डेटा बैंक में मेरे तर्क से संबंधित सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और रेफरेंसेस मौजूद हैं। आपका कहना सही है मिस शमा, इन नए तर्कों की रोशनी में ये फैमिली कोर्ट नागराज और विसर्पी पर लगे सारे आरोप वापस लेती है और उनको विश्व में किसी भी नगर में आ जा सकने की इजाजत प्रदान करती है। नागराज और विसर्पी को इस ऑर्डर की एक डिजिटल कॉपी भेज दीजिए। अगर कोर्ट की इजाजत हो तो मैं ये संदेश नागराज के पास खुद पहुंचाना चाहूंगी। माई लेडी, इजाजत है और कॉन्ग्रेचुलेशन मिस शमा। मिस शमा, आपने हम सबके सिर से एक बड़े बोझ को उतार दिया है। अच्छे दिन अब दूर नहीं थे, पर बुरे दिन भी काफी पास थे। षष्ठम अध्याय, हरण। हमारी तो पूरी कहानी तुम जानते ही हो ध्रुव, पर ये तो बताओ कि तुम्हारा और नताशा का कैसा चल रहा है? अब तो तुम्हारा बेटा भी काफी बड़ा हो गया होगा, काफी शरारती भी हो गया है, हर जगह मेरे साथ जाने की जिद करता है। अरे वह तो यहां भी मेरे साथ आना चाहता था। ध्रुव को ज्यादा झूठ नहीं बोलना पड़ा। ज्वालामुखी फट रहा है, उसके मुहाने से लावा तोप की गोली की तरह निकल रहा है। नहीं विसर्पी, ज्वालामुखी जब फटता है तो लावा फटकर चारों तरफ फैलता है। लावा के ये गोले सिर्फ हमारी तरफ ही आ रहे हैं, जैसे कि कोई निशाना साधकर इधर इनको इधर फेंक रहा हो। और वह कौन है इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। चलो, नहीं ध्रुव, विसर्पी यहीं रुकेगी और इसको रक्षा के लिए तुमको भी यहीं रुकना पड़ेगा। ठीक है, पर अगर तुम अकेले इस मुसीबत से ना निपट पाए तो मैं तुमको बुला भेजूंगा। ये संपर्क नाग है, मैं इससे नाग संकेतों के द्वारा जुड़ा रहूंगा। अगर ये फन फैला ले तो समझ जाना कि मैं मुसीबत में हूं, पर ऐसा होगा नहीं, भगवान करे ऐसा ही हो। षड्यंत्र की शतरंज के हर खाने में मोहरे बिठाए जा चुके थे, अब मोहरों के चलने का वक्त आ गया था। जमीन फट रही है विसर्पी, हम यहां पर भी सुरक्षित नहीं है, पर हम जाएं कहाँ? जंगल से बाहर हम जा नहीं सकते, हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन मेरा यान अंदर तो आ सकता है ना। अब कम से कम हम जमीन के फटने से सुरक्षित हैं। अब हमको किसी न किसी तरह से इस जंगल से बाहर निकलने का प्रयास करना होगा, ताकि तुमको किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़कर मैं नागराज के पास जा सकूं। उफ, यान अभी भी अवरोध से बाहर नहीं जा पा रहा है।
आखिर ये अवरोध किसने लगाया और वो हमको रोकना क्यों चाहता है? उधर देखो ध्रुव, वह क्या चीज है? नागराज को खतरे के केंद्र तक पहुंचने के लिए आग की बारिश पार करनी पड़ रही थी, लेकिन नागराज को तो आग की नदी भी नहीं रोक सकती थी। पहुंच गया, पर यहां तो कोई नजर नहीं आ रहा है। क्या दुश्मन वार करने के बाद भाग गया? नरक के द्वार पर तुम्हारा स्वागत है नागराज। शायद नागराज असली खतरा पार कर चुका था, क्योंकि दुश्मन अब उसके सामने था और नागराज की हथेली भी शायद उससे बड़ी थी। तुम्हारी मौत का फरिश्ता थम्बू तुम्हारा स्वागत करता है। तू लावे की बरसात कर रहा था गिट्टे? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू ऐसा कर सकता है। जिस नागराज से चट्टाने भी टकरा कर चूर चूर हो जाती हैं, उसको क्रूर पाशा एक कंकड़ से चोट पहुंचाना चाहता है? थम्बू तो मुझे ब्लैक पावर्स प्यार से बुलाते हैं, दुश्मन मुझे ब्लैक क्यूम कहते हैं। अंतरिक्ष की सबसे बड़ी शक्ति है मेरे पास, वैक्यूम की शक्ति। वह शक्ति जो तारों की गति और उनकी गर्मी को भी सह सकती है। इसी वैक्यूम शक्ति की शील्ड मेरा कवच है, और इस कवच के पार तेरे कोई वार नहीं जा सकते नागराज। पर देखते हैं कि इसकी वैक्यूम शील्ड कितना दबाव सह सकती है। नागराज का ध्यान और गहरा होता गया और वैक्यूम शील्ड पर दबाव बढ़ता चला गया। अब शील्ड पर धरती के केंद्र जितना दबाव था। अब या तो वैक्यूम शील्ड को टूटना था या नागराज के ध्यान को। मेरी शील्ड को तो सूर्य का दबाव भी नहीं तोड़ सकता नागराज, फिर तेरी शक्ति किस गिनती में है? अब तू देख कि दबाव वास्तव में क्या होता है। वैक्यूम शील्ड एक कवर की तरह लावे पर दबाव बढ़ाती चली गई और धरती पर आग की दरारें उभरने लगी। अब ये दरारें वहीं पर जाकर खत्म होंगी जहां पर महानगर का अंत होता है। अब महानगर माचिस की तीली की तरह सुलग उठेगा। सबसे मजे की बात तो यह है कि तू महानगर और उसके करोड़ों वाशिंदों को चीख चीख कर मरता हुआ देखेगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरा कोई भी हथियार वैक्यूम शील्ड को पार नहीं कर पाएगा। लावे से भरी दरारें तेजी से महानगर की तरफ बढ़ रही थी और उनके रास्ते में सबसे पहले आने वाली इमारत थी अंडरग्राउंड सिटी, महानगर से थोड़ी दूर स्थित सेंट्रल जेल। पृथ्वी के कुछ सबसे खूंखार चुनिंदा अपराधियों से भरी एक ऐसी जेल जहां का भगवान था क्रूर पाशा और जहां का धर्म था ब्लैक पावर्स की पूजा। नया कैदी खबर लेकर आया, दोस्तों आदेश आ गया है कि इस दुनिया पर ब्लैक पावर्स का राज हो। इस जेल में 5,000 कैदी हैं और महानगर में सिर्फ 10,000 सुरक्षा कर्मी। वहां पर पहले से मौजूद ब्लैक पावर्स के एजेंट भी हमारी प्रतीक्षा में हैं। अब जेल के ताले खुलते ही महानगर पर हमारी सेना को धावा बोल देना है। अब सलाखों के अंदर महानगर वाले होंगे और बाहर हम। अब नींद से जाग जा बूचर, सपना खत्म हो गया है क्या? बकवास कर रहा है। उधर देख, अनलॉक कोड को मत दबाना वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। आज हमारा रास्ता मत रोक मम्मी, आज आजादी का दिन है। तू भी तो हमारी तरह एक कैदी ही है। 20 साल की सजा के सिर्फ 7 साल काट पाई है। क्या तुझे हमारी तरह आजादी नहीं चाहिए? मुझे महानगर के निर्दोषों की बर्बादी नहीं चाहिए, तुम्हारी आजादी उनकी बर्बादी है। आदेश आ चुका है, बर्बादी तो होकर ही रहेगी और शुरुआत तुझसे होगी। अनलॉक कोड फीड हुआ और अपनी अपनी सेल के दरवाजे खोलते ही कैदी बाढ़ के पानी की तरफ बाहर निकलने लगे। तूने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया था मम्मी, लेकिन हम फिर भी तुझे आजादी देंगे, तुझे तेरी जिंदगी से आजादी देंगे हम। इसके बदन के जो हिस्से जिसे चाहिए वह ले लो। मम्मी तो मर चुकी है और मरे हुए लोग ना दोबारा जिंदा होते हैं और ना ही मरते हैं। सैकड़ों खूंखार कैदियों से घिरी हुई मम्मी उनका मुकाबला कर रही थी। काम आसान तो कतई नहीं था, पर मम्मी को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कुछ ही पलों में एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगी और तब तक मम्मी इन पर भारी पड़ेगी। कमाल है, कौन है ये लड़की? तुम नए हो ना, इसलिए मम्मी के बारे में जानते नहीं हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हरण कांड के चौथे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।